श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आप सभी सुधी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो अंकन में हम मानव चेतना का स्वरूप एवं मानव चेतना पर उपस्थित संकट का विवेचन करने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम का यह अंश परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, इसलिए आप लोग इसका पूरा मनोयोग से अध्ययन कीजिए, इस अंश को आत्मसात कीजिए। मानव चेतना का जो स्वरूप की चर्चा हम करते हैं, तो हम पाते हैं कि मानव चेतना के स्वरूप पर दो दृष्टि से विचार किया गया है। प्रथम दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि है। प्राचीन काल से जब से मनुष्य को अपने स्वतंत्र अस्तित्व का बोध हुआ, जब से मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का बोध हुआ, तब से मनुष्य को यह प्रथम जिज्ञासा रही है कि हमारी चेतना का स्वरूप क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील चेतना का अस्थाई स्वरूप क्या है, किस प्रकार से हम अपने चेतना के वास्तविक स्वरूप को का बोध कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं। यही अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया है, यही आध्यात्मिक चेतना का उद्गम बिंदु है। आत्मानं विद्धि, अपने को जानिए। आत्मदीपो भाव, आत्मा के अंदर प्रकाश को प्रकाशित कीजिए, आत्मा को आलोकित कीजिए। नो फर्स्ट दाई सेल्फ, सर्वप्रथम अपने को जाने, आदि उक्तियाँ आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मानुसंधान और आत्मोपलब्धि को अभिव्यक्त कर रही हैं। दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ मानव जीवन में बहुत प्राचीन काल से रही हैं, पहला आत्मानुसंधान, दूसरा आत्मोपलब्धि। आत्मा को जानने समझने की जो प्रक्रिया रही है, मानव चेतना को समझने का जो प्रयास रहा है, यह सब आत्मानुसंधान के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। और इस प्रयास का जो प्रतिफल रहा है, जिस भी रूप में हमने अपने को जाना समझा पाया, वह सब आत्मोपलब्धि के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। और आत्मोपलब्धि की पराकाष्ठा समाधि की अवस्था में होती है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में होती है, कैवल्य की अवस्था में होती है, निर्वाण की अवस्था में होती है। यह समाधि, कैवल्य, आत्म साक्षात्कार और निर्वाण आदि मानव जीवन का परम प्राप्तव्य निर्धारित किया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परम लक्ष्य को प्राप्त किए बिना संसार की सारी उपलब्धियाँ, संसार की सारी विभूतियाँ व्यर्थ हैं, क्योंकि जब तक हमारी कामनाओं को पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम अपने इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इच्छाओं का विवेक सम्मत समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम आप्त काम नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम आप्त काम नहीं होंगे, तब तक हमें आत्म उपलब्धि की नहीं होगी। आत्म उपलब्धि के लिए आप्त काम होना अपरिहार्य है। आप्त काम का होने का तात्पर्य है कि आकांक्षाओं से शून्य होना, इच्छा से शून्य होना, चेतना से शून्य होना। इस तरह से आकांक्षा से, चेतना से शून्य होकर के, आप्त काम होकर के हम यह बात को जान सकते हैं कि हमारी चेतना का स्वरूप क्या है, उसका परम प्राप्तव्य क्या है। इस तरह से मानवीय चेतना पर चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए या वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए, यह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानव चेतना ही हमारे जीवन का आधार है, मानव चेतना ही हमारे जीवन का सार है। व्यष्टि और समष्टि रूप में मानव चेतना ही इस ब्रह्मांड का केंद्रीय विषय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मानव चेतना की एक अभिव्यक्ति है। मानव चेतना इस ब्रह्मांड से प्रभावित होती है और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड को प्रभावित भी करती है। इस प्रकार मानव चेतना का स्वरूप समझने के बाद द्वितीय खंड के रूप में हम इस विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि मानव चेतना का वर्तमान संकट क्या है, वह कौन सी चुनौतियाँ हैं, वो कौन सी समस्याएँ हैं जिनसे मानव चेतना आज की तारीख में जूझ रही है, वह कौन से प्रश्न हैं
जो मानव चेतना के समक्ष उपस्थित हैं और जिनका समाधान प्रस्तुत करना मानव चेतना का लक्ष्य है। इस तरह से मानव चेतना का यह स्वरूप बहुत ही जटिल प्रतीत होता है और इसका समाधान भी बहुत जटिल है। इसलिए मानव चेतना पर जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि आज का मानव समाज प्राचीन काल के मानव समाज से सर्वथा भिन्न है। नाना प्रकार के साधनों से सुसज्जित, नाना प्रकार की विभूतियों से अलंकृत, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से विभूषित आज का मानव समाज अपनी नैसर्गिक सुख एवं शांति से सर्वथा वंचित है। विभिन्न साधनों की यह संपन्नता उसे शांति की विपन्नता की ओर ले जाती है। मनुष्य आज तमाम जटिल परिस्थितियों में घिरा हुआ है और इसका प्रमाण यह है कि आज मनुष्य के शरीर में जितने भी व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं उनका 80% व्याधियों का कारण मन है। इन व्याधियों को मनोशारीरिक व्याधियों के रूप में पहचाना गया है और परिगणित किया जाता है। मनोशारीरिक व्याधियां कौन सी व्याधियां हैं? मनोशारीरिक व्याधियां वे व्याधियां हैं जिनकी उत्पत्ति मन में होती है और जिनसे हमारा शरीर प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आज की सबसे प्रसिद्ध व्याधि है मधुमेह, जिसमें हमारे शरीर में शर्करा का पाचन नहीं होता है और हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। कहने के लिए यह तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आयुर्वेद में इसे अपच की समस्या कही गई कि जिस चीज़ से शर्करा का पाचन होता है वह हार्मोन का न्यूनता शरीर में हो जाने से शर्करा का पाचन नहीं हो पाता है और खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाता है। लेकिन जब हम मधुमेह के कारणों की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं कि मधुमेह का कारण आराम तलब जीवन शैली और तनाव युक्त जीवन शैली है। एक तरफ हम शरीर को निष्क्रिय अवस्था में कर देते हैं, सुख सुविधा और आराम में रहते हैं, दूसरी तरफ हमारा मन बहुत ही चिंता में, बहुत ही तनाव में, बहुत ही अवसाद में, बहुत ही उद्वेग में रहता है। मन की यह उद्वेग, मन की यह चिंता, मन का यह तनाव, मन का यह अवसाद हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक होता है और यह नाना प्रकार की व्याधियों का कारण बनता है। इस तरह से व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक मानव चेतना के समक्ष अनेक संकट उत्पन्न हुए हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वह मनुष्य के चेतना का, मानव चेतना आज अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। नाना प्रकार के आणविक अस्त्रों की खोज की गई है, उनका जखीरा नित्य प्रति बढ़ते जा रहा है। मनुष्य के जीवन में प्रतियोगिता का निरंतर विकास होते जा रहा है। बहुत ही प्रतियोगी वातावरण में मनुष्य की चेतना है और उसे अपनी चेतना को समायोजित करने में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। समायोजन की शक्ति न्यून होती जा रही है और व्यक्ति के अंतर्गत नाना प्रकार की मनोग्रंथियों का वास होते जा रहा है। विद्यार्थीगण, आपको यह बात को बड़ी प्रमुखता से जानना चाहिए कि आज का यह वैज्ञानिक मानव समाज बहुत ही तनावग्रस्त मानव समाज है, जिसमें अपेक्षा और उपेक्षा दो बातों का बड़ा ही केंद्रीय महत्व है। एक तो हमारे मन में अपेक्षा इतनी ज़्यादा है कि हमारी चाहतों की जो सूची है वो बहुत लंबी है, हमारी इच्छाएं अनंत है, और दूसरी तरफ हम उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। हर व्यक्ति आत्म केंद्रित हो रहा है, वह अपने में ही सीमित हैं, अपनों के लिए उसके पास न समय है और न इच्छा है। तो अपने लिए जो जीवन जीते हैं वह पाशविक प्रवृत्ति है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम व्यष्टि से समष्टि की ओर चलें, निजता से प्रभुता की ओर बढ़ें, अहंग से परम की ओर गति करें और अपने कल्याण की कामना करने के पूर्व जगत के कल्याण की कामना करें। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय की भावना से भावित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की प्रार्थना के सहभागी बने। हृदय से यह प्रार्थना करें और विश्व कल्याण की कामना करें। मानव चेतना को उसके स्वाभाविक शांति, उसके स्वाभाविक आनंद और उसके
स्वाभाविक विकास की तरफ तभी ले जाया जा सकता है जब मानव चेतना को उसके स्वाभाविक रूप में रखा जाए, उसके नैसर्गिक रूप में रखा जाए। तनाव, चिंता, मनोद्वेग और विपरीत परिस्थितियों से उस मानव चेतना को बचा करके उसको शांति के मार्ग पे, संतुष्टि के मार्ग पे, संतोष के मार्ग पे, आनंद के मार्ग पर ले जाया जाए। इसी में मानव चेतना का परम कल्याण निहित है। विद्यार्थीगण, आपने इस वीडियो अंकन को मनोयोग से सुना, इसके लिए आपको साधुवाद। आपका सर्वमंगल हो, आपका कल्याण हो। धन्यवाद।